क्या आपने कभी सोचा है कि आप कहीं जा रहे हो और अचानक से आधी रात में आपके सामने कोई भूत डांस करता हुआ आपको दिख जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसे में आप वहां से भाग जाएंगे या फिर वहां रुक के उसका वीडियो बनाएंगे? हम आपको बता दें कि आप ऐसी गलती कभी मत करिएगा, वरना आप अपनी जान को खो सकते हैं। एक भूत डांस और उसके बाद लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। बता दें कि आज के समय में एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर एक लड़की सड़क पर आधी रात को भूत डांस करती हुई देखी जाती है। ऐसे में अगर कोई शख्स उस समय उसको वहां देख लेता है या फिर उसका कोई वीडियो बना लेता है तो वो उस शख्स को जान से मार देती है। ये हत्या का घटना डरावना जरूर है मगर झूठा नहीं, ये सच है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सर्बिया से डांस करती हुई एक महिला का वीडियो इस समय लोगों को डरा रहा है। वीडियो काफी रहस्यमय है और किसी को नहीं मालूम कि इसका सच क्या है। इस वीडियो में एक महिला रात के अंधेरे में डांस कर रही है। टिकटॉक पर वायरल हुए इस वीडियो की चर्चा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी होने लगी है। 11 सेकंड की इस क्लिप को अब तक 105 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। वीडियो को फरवरी में पोस्ट किया गया था। बी केयरफुल इस कैप्शन के साथ इसे अपलोड किया गया था। कहते हैं कि जो भी इस महिला को देख लेता है उसकी मौत हो जाती है। इस डांसिंग लेडी को सबसे पहले 2009 में देखा गया था। कहा जाता है कि उस समय सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था तो किसी का भी ध्यान नहीं गया। इसके बाद इस महिला को साल 2018 में फिर से देखा गया। उस समय इसे प्रैंक करार दिया गया। सर्बिया में इस महिला के बारे में खबरें फैलने लगी लेकिन मीडिया ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। मगर इस साल की शुरुआत में ये महिला फरवरी में फिर से नजर आई। इसके बाद वीडियो को टिकटॉक पर पोस्ट किया गया। कहते हैं कि इस महिला का वीडियो बनाने वाले दो लोगों की मौत हो चुकी है और कुछ लोग गायब भी हो चुके हैं। इसका चेहरा अभी तक किसी ने नहीं देखा। कहा जा रहा है कि पुलिस ने भी लोगों को उन रास्तों से दूर रहने के लिए कहा है जिन रास्तों पर ये डांस करते हुए नजर आती है। सर्बिया के मीडिया के मुताबिक अगर ये महिला अपना वीडियो बनाते हुए किसी को देख लेती है तो फिर उसके पीछे चाकू लेकर भागती है। एक टिकटॉकर ने दावा किया कि नाचने वाली सर्बियाई महिला एक अनाम महिला है जो सिर्फ रात में ही सड़क पर डांस करती हुई नजर आती है। अगर किसी ने उसे देख लिया, उसकी फोटो खींच ली या फिर वीडियो बना लिया तो वो उस पर हमला कर देती है। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक निर्दोष महिला है जिसे एक राक्षस या शैतान द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। इस महिला को पहली बार सिटी अस्पताल के पास कोने में डांस करते हुए देखा गया था। पुलिस ने भी कई बार उसकी तलाश की मगर उन्हें कोई भी नहीं मिला। कई लोगों ने इसे एक पागल महिला बताया लेकिन इसकी पुष्टि भी अभी तक नहीं हो सकी। वहीं कुछ लोगों का इस मुद्दे पर कहना है कि ये उस महिला की आत्मा है जिसे दूसरे गांव के एक पुरुष से प्यार हो गया था लेकिन उसके परिवार वालों ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। उसके मरने के बाद उसकी आत्मा अब रात में इलाकों में घूम रही है, नाच रही है और गा रही है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अगर कोई भी उसके नाचती हुई परछाई को देख लेता है तो उसकी जल्द ही मृत्यु हो जाती है या फिर उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। ये जो मामला है इसे सुनकर सभी लोग हैरान हैं। ये जो खबर है इसको देखकर सभी लोग दंग हैं। क्या ये वाकई में सच हो सकता है? इस खबर को सुनने के बाद कुछ लोग इसको मानने को तैयार हो गए हैं कि ये जो भी है ये सच है, तो वहीं कुछ लोग इसे अब भी मानने को तैयार नहीं है। अब इसमें कितना झूठ है कितना सच ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल में आंकड़ों के आधार पर ये पुष्टि हुई है कि ये महिला वाकई में एक रहस्यमयी महिला है जो कभी भी आती है कभी भी जाती है। इसका ना तो कुछ पता चलता है और ना तो इसका कुछ ठिकाना होता है कि ये कब और कहाँ कैसे किस पे वार करेगी और कहाँ ये अपना डांस करेगी। इस वीडियो को देखने के बाद सभी लोग इस मामले में और भी ज़्यादा जानने को इच्छुक हैं लेकिन ये अब तक एक रहस्यमय बना हुआ है। कि क्या है इसके पीछे की सच्चाई, क्या ये वाकई में एक भूत है या फिर एक महिला जो प्रैंक कर रही है और लोगों को डरा रही है, या महिला के रूप में एक अपराधी जो कातिल करने के लिए भूतिया प्लान बना रही है, या फिर एक महिला है जिसे आत्मा द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस तरह के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।